प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भरती है, पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं जौहर को खुदा ने वो नज़र दी है। ऐसी ही एक शख्सियत है जो अपनी सदियों पुरानी विरासत को बहुत ही खूबसूरती से सहेज कर उसे नए वक्त में नई उम्मीदों के साथ आगे ले जाने का अज़्म रखती हैं। ग्वालियर घराने की पुरकशिश शख्सियत और सुरीली आवाज़ की मालिक डॉक्टर मीता पंडित। प्रकृति की खूबसूरती और उसके हर कण में संगीत का अक्स, बंदिशें, आवाज, सलीका, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति और शास्त्रीय गीत संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित ग्वालियर घराने की प्रतिभाशाली गायिका मीता पंडित। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित की पोती और पंडित एल के पंडित और आभा पंडित की होनहार बेटी, उनकी छठी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती पहली महिला गायिका मीता पंडित। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही 200 साल पुरानी पारिवारिक परंपरा को बड़े ही सलीके से आगे बढ़ाया। उनकी आवाज की रेंज और उनकी रागों की समझ और बंदिशों में अपनी तरफ से नित नई कोशिशें उन्हें जुदा कर जाती हैं उनके हम उम्र कलाकारों से। और यही वजह रही कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की, बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है और वो अपने फन का मुजाहिरा देश विदेश में भी कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीता जी शख्सियत कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अपने बीच देखकर आज बेपनाह खुशी हो रही है और आपको हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, लेकिन यकीनन इसके पीछे बहुत ज़्यादा रियाज रहा है और अपने बड़ों की दुआएँ भी रही हैं। बेशक। अपने दादा पंडित कृष्ण राव पंडित की पोती होने का एक अपना ही गौरव है और उसे आगे लेकर चलना, उस विरासत को आगे लेकर चलना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बात ऐसी है समीना जी कि मैंने कभी संगीत को जिम्मेदारी के रूप में कभी लिया ही नहीं, क्योंकि मैं तो वही कर रही हूँ जो मेरा पैशन है, जो मेरी अंदर से आवाज़ है, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ और मैंने हमेशा उसी को फॉलो किया। यानी कि आपने इसे करियर के तौर पर नहीं चूज़ किया? बिल्कुल। बस एक साधना, एक बिल्कुल। और अगर मैं आपको एक बहुत ही छोटे गागर में सागर ये है, आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पैशन एंड माई पैशन इज़ माई प्रोफेशन। क्या
क्या बात है, पीएचडी भी किया आपने, तभी मैंने आपके लिए कहा डॉक्टर मीता पंडित। मैं डॉक्टर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। दरअसल मैंने पीएचडी इसीलिए की क्योंकि मेरे बड़े भाई तुषार उसको कर रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ, और मैंने फिर उसी को कंप्लीट किया, मैंने उन्हीं का काम जो है वो मैंने पूरा किया। सब्जेक्ट क्या रहा मीता जी उसमें? उन्हीं का जो सब्जेक्ट था ग्वालियर के पंडित परिवार का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में योगदान। ग्वालियर घराने ही की बात से जो आपने अभी बात कही, इसी से इस बात को आगे बढ़ाएं। ग्वालियर घराने का नाम बहुत बहुत ही बड़े घरानों में से आता है, लेकिन उसकी खासियत बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज शख्सियत के मंच से ग्वालियर घराने की जो अद्भुत विरासत रही है उसके बारे में। ज़रूर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ग्वालियर जो है उसका स्थान वही है जो कि बनारस का धर्म के लिए है। ग्वालियर को संगीत की भूमि माना जाता था, और ऐसे कहा जाता था कि यहाँ का जो बच्चा भी अगर रोता है तो वो सुर में रोता है। ग्वालियर की गली गलियों में संगीत की चर्चा। अगर मैं आपको एक बिल्कुल अविश्वसनीय बात बताऊं कि रागों को गहन रखा जाता था। अच्छा, यानी कि अगर किसी कलाकार ने मान लीजिए राग मालकौंस किराने की दुकान में रख दिया है, और उनको किसी महफिल में किसी संगीत को श्रोता उनको रिक्वेस्ट करते हैं मालकौंस गाने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई इसको पहले छुड़ा के लेके आओ। तो अगर आप ये इमेजिन कर सकती हैं कि ये स्टेटस है म्यूजिक का, संगीत का ये स्टेटस है, रागों का ये स्टेटस है, ये तब हो सकता है जब उस चीज़ की कीमत हो, कीमत इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ इस बात का कि ऐसा भी हो सकता है। पर ग्वालियर में देखिए, पहले तोमर वंश ने और उसके बाद सिंधियाओं ने जो संगीत को अपनी उत्कृष्टता पर पहुँचाया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर कलाकार हुए जिन्होंने कि राइट फ्रॉम ध्रुपद से ख्याल का जो जर्नी है, और उससे आप देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आई हैं। कुछ अभी सुनाना पसंद करेंगी? भादरवा बरसन को आए, भादरवा बरसन को आए, भादरवा बरसन आए, भादरवा बरसन आए, नन्ही नन्ही भूधन गरज गरज गब, नन्ही नन्ही भूधन गरज गरज गब, नन्ही 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 भूधन, नन्ही 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 पिता ही गुरु रहे तो जो एक आदर भाव रहता है और एक बेतकल्लुफी। लेकिन सीखने सिखाने के दौर में क्या कुछ हुआ, कैसे आपने उनसे सीखा, क्या यादें आपको आज याद आती हैं हमारे बीच? पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे केस में, यानी कि तुषार, रतुल और मैं, हमारे इसमें क्योंकि पिताजी के रूप में गुरु का रूप बहुत प्राबल्य था। अच्छा, तो उस वजह से एक कंट्रोल में रहते थे, और जो बेतकल्लुफी जो होती थी वो हम तीनों के बीच में ही होती थी। ऐसे आपके लिए कहा जाता है कि आप शास्त्रीय संगीत का जो हर रंग, सारे रंग आप बहुत खूबी से, मुझे बहुत पसंद है उसके सारे ही रंग, है ना, चाहे वो तराना हो, चाहे टप्पा हो, चाहे अष्टपदी हो, चाहे भजन हो, चाहे ठुमरी हो। ठुमरी का एक रंग अगर हम लोगों के लिए हो जाए अभी फिलहाल तो। न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी, न मानूंगी न मानूंगी न मानू न मानूंगी न मानूंगी न मानू
आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके बारे में अपनी राय का इजहार किया है हमारे से, तो आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए, आइए देखते हैं। दिन हमारे यहाँ बम्बई के उस्ताद अब्दुल अलीम जाफर खां, जो कि प्रसिद्ध सितार नवाज हैं, वो आए तो उन्होंने कहा कि ये लड़की खेल भी रही है और गा भी रही है, सारे गा रहे गा अपने अलंकार गा रही है। तो उन्होंने कहा कि उसने उसको बुलाया कि बेटी इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या? नाम बताया, मैं नाम मीता है। तुम क्या कर रही हो? उन्हें मैं गा रही हूँ। तुम्हें गाना आता है? उन्हें हाँ। तो फिर मैं जो कहूँगा वो गाओगी? हाँ गाऊँगी। तो उन्होंने कुछ कठिन स्वर उसको पूछे तो उसने उसको उनको फॉलो कर दिया। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये तो लड़की बहुत ही टैलेंटेड है और ये आगे जाके गायिका बनेगी। संकट मोचन मंदिर में उन्होंने मुझे कहा था कि साहब, उस समय मीता की परीक्षा हो गई थी, वो 5-6-7 साल की थी, उसकी परीक्षा हो गई थी और गाना भी सीख रही थी, वो गाना गाती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, मैंने कहा भी मैं एक कंडीशन पर आऊँगा कि मेरी बेटी है, उसकी परीक्षा हो गई, वो आएगी मेरे साथ और उसको आप एक मौका दें। ठीक है मैंने, आप आइए। हम दोनों जने गए और फिर उसने जो गाना गाया तो इतना मंत्रमुग्ध कर दिया बनारस के ऑडियंस को कि तमाम पेपरों में उसकी बारी बनी। मीता जब छोटी थी, 3 साल से भी कम उम्र की थी, वो बेडरूम में अपने पलंग पर जाके अकेला बैठ जाती थी, अपने आप किसी के बिना कहे बहुत मेहनत करती थी और अपने आप गाना गाया करती थी। और उसकी आवाज़ सुन के मुझे पता था कि ये साधारण आवाज़ नहीं है, वो हमेशा अपने आप मेहनत करती रहती है और उस सारी मेहनत उसी खुद की है, उसके गाने में किसी की नकल नहीं होती है। पिता से गाना सीखा हुआ है लेकिन पिता की कुछ भी नकल नहीं होती है। हमारे बड़े बेटे तुषार पंडित जी जाने के बाद ये अपने रूम में बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके बैठती थी, बिल्कुल खाना पीना कुछ भी नहीं, और रोती रहती थी दरवाज़ा बंद करके, भूखी प्यासी बैठी रहती, रोती रहती। और सिर्फ एक कारण कि मुझे गाना सीखना है, पिताजी मुझे गाना नहीं सिखाते, पिताजी के पास मेरे लिए वक्त नहीं, ये बात होती रहती थी। बचपन से लेके आज तक तो उसने खूब जहाँ गाई लोगों का खुश कर दिया, आगे भी करती रहेगी। मेरी उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब आँख नम हो गई यकीनन। तुषार दादा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, उनके छोड़े हुए काम को आपने पूरा किया, लेकिन एक भाई के तौर पर, अपने बड़े होने के तौर पर उनको आज आप कैसे याद करना चाहेंगे? वो अगर आज होते तो बातें कुछ और होती। कभी आप दोनों ने मिलके परफॉर्म किया, कभी बैठ के गाया? हमने हाँ घर पे बहुत किया। हाँ, पर जब ये मौका आया कि हम कभी कर सकते, उसके पहले वो चला गया। हाँ। कुछ अगर आप आज उन्हें डिवोट करना चाहें, कुछ गाना चाहें उनके लिए? ये मैंने ऐसी इत्तेफाक की बात है कि एक दोपहर का समय था और मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत अच्छे शब्द मिले हैं और मैंने किसी चीज़ को कंपोज किया है, तो मैंने उनके सामने वो गाया। और ये कॉम्पोजिशन आओ पंधघट पे जमुना के तट पे। हाँ। और इस कॉम्पोजिशन को ये मैंने गाया और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद म्यूज़िक टुडे से हमारी एल्बम निकली, उसमें मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो मुझे ये हमेशा से ही एक 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 जिसे कहते हैं एक यादगार है मेरे लिए। बंसी बजाते नाचते गाते, बंसी बजाते नाचते गाते जमुना तट।
बातचीत का सिलसिला मीता जी आपसे जारी रखेंगे, ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मीता पंडित। मीता जी, अगर हम क्रॉस कल्चरल एफर्ट्स की आपकी बात करें, जो आपने बाहरी मुल्कों के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट्स किए, और लेकिन उसमें भी आपने अपने ख़ास अंदाज को कहीं ख़त्म नहीं होने दिया, क्या ख़ास रहा उसमें, कुछ एकाध अगर उसमें से आप हमें सुनाना चाहें, और उसमें जो अभी थीम रही वो थीम क्या थी, उनमें आपने किन किन चीज़ों को खास पोर्ट्रे करना चाहिए? लव, देखिए मोहब्बत ही ना तो मोहब्बत के तो बहुत सारे रंग होते हैं, कोई भी एक रंग। पवन झरला गोरी गुइया, पवन झरला गोरी गुइया, पवन झरला गोरी गुइया, उमग उमगत बदरा बरसत में हा, उमगत बदरा बरसत में हा, भीज मेरो शरीर दैया, भीज पवन झरला गोरी गुइया, पवन झरला गोरी गुइया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन। फ्रांस का जो आपका परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट था, जो फ्रांस के लिए आपने किया था, उसमें क्या कुछ ख़ास था? उसमें ये ख़ास था कि मेरे लिए पहली बात ये मुझे मौका मिला कि एक बहुत अच्छे जैज़ पियानिस्ट के साथ वो हमने काम किया, और जब मुझे आर्टिस्ट इन रेजिडेंस भेजा था, तब मेरा इतना जैसे कहते हैं मेरा एक्सपोजर उनके संगीत के लिए इतना ज़्यादा था नहीं, तो जब हमने शुरुआत की और व्हेन वी स्टार्टेड टू वर्क, देखिए संगीत की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर आप भारत के ही संगीत को लें, इतनी अलग 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 जॉनर्स हैं। अब बाहर के हम, अब मैं अब तक जो है जो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपनी ही दुनिया में मग्न थी, जब मैं अपने दरवाज़ा खोला और जब मैं उनके इसमें गई तो मैंने देखा कि ये तो कमाल का है। कभी ऐसा मौका लगा आपका कि चूँकि हम लोग अपने से बड़े संगीतकारों को देख रहे होते हैं, गायकों को देख रहे होते हैं, और फिर अचानक आपको भी उसी मंच को शेयर करने का मौका मिलता है, तो आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ कि आपको लगा हो कि मैं यहाँ पहुँचूँगी, और फिर एक दिन ऐसा आया कि आप वहाँ थी उन लोगों के साथ? या दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग समीना जी, छुटपन से ही पिताजी और माँ मुझे ले जाया करते थे कॉन्सर्ट्स में, उनके स्वयं के कॉन्सर्ट्स पिताजी के, पर इसके अलावा और भी संगीतज्ञों के अलग अलग कॉन्सर्ट्स में मुझे ले जाया करते थे, और हमेशा से ही मुझे जो जो स्टेज की दुनिया है और जो ग्रीन रूम्स का जो हलचल चल रही है, उन सब में बहुत बहुत इंटरेस्ट रहता था। और मुझे याद है कि एक दफ़े मुझे कमानी ऑडिटोरियम में लेके गए थे, और हमेशा की ही तरह
मैं आर्टिस्ट को उस समय पे पीछे की सीट थी, और मेरे पता नहीं क्यों जहन में आया कि एक दिन आएगा कि मैं उधर होंगी। मुझे लगता है मुझे गाने, अगर मुझे आप पूछें कि मैं स्टेज पे मैं सबसे ज़्यादा खुश कब होती हूँ, व्हेन आई एम ऑन द स्टेज आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड आई लव टू सिंग। वो बिल्कुल आपकी पूरी शख्सियत उसी में रची बसी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, लेकिन ये जो है ये बहुत खास है, आइए देखते हैं। हाय मीता, कैसी हो? तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे याद है तुम स्कूल में कंपटीशन होता था, सिंगिंग कंपटीशन, उसमें हमेशा पार्ट लेती थी, और उमराव जान के गाने तुम बहुत अच्छे गाती थी, तो मुझे अभी तक याद आते हैं वो गाने। तुम्हारी आवाज़ में मैं एक बार फिर सुनना चाहूँगी। और एक सैड मोमेंट भी मुझे याद आता है कि तुम्हारे दादाजी जब की डेथ हुई थी, तो यू आर वेरी सैड, बहुत उदास थी तुम। ग्वालियर घराने को तो मुझे लगता है भुनी के नाम से जाना जा रहा है, और बहुत बहुत कामयाबी मिल रही है, लोग जान रहे हैं, आजकल की जनरेशन भी बहुत पसंद कर रही है इन चीज़ों को, क्योंकि मैं शोज़ देखती हूँ तो यंगर जनरेशन भी बहुत आती है और बहुत पसंद करती है, और वो आई थिंक मीता की बदौलत है, क्योंकि वो इस जनरेशन की हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे लेकर गई हैं। वो चाहती तो कमर्शियल म्यूज़िक में भी जा सकती थी, प्लेबैक सिंगिंग में भी जा सकती थी, बट उन्होंने क्लासिकल को ही फोकस अपना क्लासिकल में रखा। मुस्कान भी तुमको हेलो कहना चाहती है और तुम्हें बहुत बहुत याद करती है। मुस्कान भी से हेलो टू मीता आंटी। हेलो मीता आंटी। ये भी बहुत सुनती है, इसको भी अब तो थोड़ा समझ आने लगा है कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, तुम्हारी बदौलत, नहीं तो आजकल की जनरेशन को तो शायद क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में नॉलेज ही ना हो। तो आई रियली विश कि तुम्हारे घराने का जो तुम नाम रोशन कर रही हो, आगे भी फ्यूचर में भी तुम करो, और बहुत बहुत कामयाबी तुम्हें मिले, मेरा यही मैं चाहती हूँ और यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। क्या कहना चाहेंगी इनके लिए? नहीं, आई रियली चेरिश द मोमेंट्स जो स्कूल के थे, और रियली चेरिश इट। आप जब स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अपने साथ के लोगों को और अब जो आने वाली जनरेशन है जो अपनी किस्मत आजमाएगी, इन युवाओं में आप शास्त्रीय संगीत के रुझान को कैसा देखती हैं? क्या इनमें आपको वो पायदारी दिखती है, वो समर्पण दिखता है जो शास्त्रीय संगीत के सीखने वालों के अंदर होना चाहिए? बहुत कम समय है आज के युवाओं के पास बहुत कम समय है, और उस कम समय में भी देखिए कोई एक चीज़ पर, स्पेशली समथिंग एज नीश एज क्लासिकल म्यूज़िक, उस पर ध्यान देना और ये कन्विंस करना अपने फैमिली को भी कि मैं ये करूँगा या मैं करूँगी, इज नॉट इजी। क्या आपको लगता है कि रुझान है पेरेंट्स का, कि उनके बच्चे जो हैं इसको एक करियर के तौर पर लें? परंतु ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि आपका रुझान किस तरफ है और प्रैक्टिकलिटी में आप किस चीज़ पर डाल सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है ये बहुत मुश्किल है इसको करना, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें, ये जो आर्ट है इसमें कोई शॉर्टकट्स है ही नहीं। एक आपकी बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट का, उसके बारे में जानना चाहिए। मेरा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक ही है, वो ये है कि शास्त्रीय संगीत को किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया जाए, हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द पीपल। यही है इंदिरा IGNCA के साथ जो आप कर रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जिन्होंने कि इतना बड़ा जो कार्य है, बड़े बड़े दिग्गजों को, उनसे बंदिशें, जिनके पास मटेरियल है और जो कि अगले अगले जनरेशन तक पास ऑन हो सकता है, उसको ऑडियो विजुअल फॉर्म में मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे लेना और मांग कर लेना। हमारे इस कार्यक्रम का जो अंत होता है वो बड़ा खूबसूरत सा होता है, जैसा कि हमारा पूरा मेहमान बड़ा हसीन होता है और उसकी आवाज़ का जादू उसने बिखेरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्में हम लोगों के आसपास ज़रूर होती हैं। कोई एक गीत जो आपको इस वक्त याद आता हो, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। हम जस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जस्तजू मगर देख ली दुनिया।
इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी, आप शख्सियत प्रोग्राम में आई, इतना वक्त हम लोगों के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।